नहीं, नया नहीं था तो अभी उठाने की जरूरत क्या है? प्रियंका जी, आप ही कह रहे हैं नया नहीं था, तो अभी उसकी रेलेवेंसी क्या है? अभी कोई नया मामला है? अभी कोई जासूसी का नया प्रकरण हुआ? देखिए, इसकी जो 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 भी प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि अडानी का जो मैटर है उस पर जवाब नहीं देते बन रहा है, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी है और इस देश में जिस तरह से आप देखिए सिलेंडर के प्राइस बढ़ रहे हैं, एयर की टिकट के प्राइस बढ़ने वाले, सारी चीजों से यही साबित होता है कि इस तरह अडानी जी को फेवर किया जा रहा है और एक आम आदमी की जीव काटी जा रही है। चलिए, इन सारे मुद्दों को डिफेंड करने के लिए ही ये मुद्दा निकाल कर लाए। चलिए, कि देश की प्रतिष्ठा और मान, देश की प्रतिष्ठा और मान तब नहीं खराब होता जब प्रधानमंत्री रिपोर्ट आती है। ठीक है, आता हूँ मैं, दोबारा आता हूँ आपके पास प्रियंका जी, दोबारा से चर्चा में लूंगा। विनीत जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी जवाब ले रहे थे। विनीत जी क्या कहेंगे, पेगासस का जो जिन है बोतल से फिर बाहर निकल आया है और कैम्ब्रिज में जाकर के निकला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पेगासस एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जा चुकी है, अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जब वो जांच चल रही थी, एक स्पेशल कमेटी उसकी जांच कर रही थी जिसमें एक्सपर्ट्स थे, उस वक्त राहुल गांधी जी ने अपना फोन उनको क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं लेके गए कि इसमें पेगासस है? मैं तो सही बताऊं, मैं मुझे यकीन नहीं है कि वो पेगासस का मतलब भी समझते होंगे, कहीं वो इसको कोई वीडियो गेम ना समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, प्रियंका जी भी मन मन मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उन्हें भी विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें सत्य हो सकता है। दूसरा समझने की जी, आप जितना नहीं है वो राहुल गांधी जितना तो हो भी नहीं सकता, कितना भी प्रयास हम कर ले। देखिए, इस देश में बार बार क्या हो रहा है, जब भी देश की संसद चलती है तो कोई ना कोई मुद्दा लेकर ये देश की संसद में हंगामा खड़ा करने का काम करते हैं। आपने राफेल को देखा, आपने डिमोनेटाइजेशन को देखा, पेगासस को देखा, आधार को देखा, पीएमएलए का जब हम लेके आए वो देखा, तब उन्होंने संसद को रोका, संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी, उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। अभी राहुल गांधी जी ये क्यों करते हैं? आज जब एक मुख्य धारा के अखबार में मैंने स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू किया और उनके स्टेटमेंट को पढ़ते हुए मुझे लगा कि आगे लिखा होगा जॉर्ज सोरोस, कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। पूरा पढ़ के पता लगा कि ये तो अपने राहुल गांधी जी हैं जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। उन दोनों की बातों में इतनी समानता मिलती है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन, मतलब बाहर से जॉर्ज सोरोस का समाज आता है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसने किस तरह से जो कॉलोनियल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं उनको पछाड़ के जब भारत आगे बढ़ता है, किसी को तकलीफ होगी भारत को रोकने की कोशिश करेगा, षड्यंत्र करेगा, समझ आता है। लेकिन राहुल गांधी जी की बातें, देश पे कर्ज कितना आपको पता है प्रियंका जी? मुझे सब पता है, बीच में आप ना टोके तो अच्छा होगा, वरना आप भी नहीं बोल पाएंगे। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं इकोनॉमी से रिलेटेड ही चीजें बता रही हूँ।